हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज थ्री है। थ्री एक्सरसाइज में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। गिवन फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में देखिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको राइट कर देंगे कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। देखिए कितना जीरो है। इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज में रिवियस रहे आपने पढ़ा है कि जब डिवाइड रहेगा तो क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितना जीरो है और फिर डेसिमल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल था नहीं, मतलब है नहीं, सॉरी है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, यही क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे। सेम प्रोसेस, 1 2 3 0 काउंट हो गया। अब यहां से काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 काउंट हो गया। अब इसके बाद यहां नहीं हो गया, इसके बाद फिर वहां पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आपका आंसर आएगा 0.99। ठीक है, ये हो जाएगा। जीरो काउंट करेंगे, इसके बाद राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 और फिर पॉइंट लगा देंगे। वही हो गया आपका कंफर्म। अब इसमें देखें 55 नंबर पे 2/25 है, इसमें तो जीरो है नहीं। इसके पहले बाकी 1 to 14 तक में सब में जीरो से रिलेटेड है। ठीक है, 6 वाले 1/2 है और 1/50 है, तो उसको भी देख लेंगे। पहले ये देखिए 2/25 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर लेंगे। सिंपल रफ में डिवाइड कर लेते हैं, 2 है और ये 25, तो होगा नहीं। तो पहले जीरो यानी डेसिमल आ देंगे, 20 हो गया, बिंदु नहीं होगा, एक बार जीरो बढ़ा देंगे तो 25 50 75 100। 4 टाइम में 100 है, 8 टाइम में 200, तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट होके। यहाँ राइट कर देंगे कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल्स, राइट करके और फिर राइट करेंगे डिवाइड करने के लिए 0.8। क्लियर, 0.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। और ये जो बचा है 1/2 1/50, तो इसमें भी कुछ करना नहीं, ऐसे ही अगर डिवाइड कर देंगे रफ में, डिवाइड करने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है इसको भी, बाय डिवीजन प्रोसेस। यानी कि अब आपको डिवीजन शो करना होगा। तो देखिए सिंपल है, डिवाइड जानने ही होता है। प्रॉब्लम देख लीजिए, 49/70 फोर्थ नंबर क्वेश्चन 2, 49/70 है, तो इसको और रिड्यूस करते हैं। पहले रिड्यूस हो रहा है 7 के टेबल से, 7 7 49 7 10 70, कितना यहाँ पर 7/10। अब हम डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करते हैं यहां राइट कर देंगे कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। देखिए 7 था तो डिवाइड होगा नहीं, तो पहले डेसिमल यानी पॉइंट हो गया, इसके बाद 0 मैंने बढ़ाया तो 10 7 70, क्लियर हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना आया, 0.7 हो गया। सिंपल 0.7। ऐसे ही बाकी जो है जितने भी प्रॉब्लम है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब अगर रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर देंगे, और अगर रिड्यूस नहीं होगा तो डिवाइड कर देंगे। सिंपल जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 3 भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।